बहुजन सोशल मीडिया में बहुजन समाज और नेताओं की भूमिका। मीडिया का काम बहुत गंभीर काम है। ये हो सकता है मोबाइल भी जब्त हो जाए, कंप्यूटर भी जब्त हो जाए, अब बंद भी हो जाए, ये नया कानून। कोई नहीं कहता है कि हमको जो है शेयर मार्केट में हमको बनाना है अपने बेटे को एक्सपर्ट, क्योंकि इसको पढ़ना, पीएचडी करना, अर्थशास्त्र में पीएचडी करना, ये सब कोई काम में समझता ही नहीं। बेसिक जो लड़ाई है वो ज्ञान की लड़ाई है। हम दलित समाज को एड्रेस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को नर्चर किया जाता है भाई साहब। चिंतन मनन पढ़ना लिखना बहुत ही कठिन काम है। आपके ख्वाब में जो है ना कभी आपके ड्रीम्स नोबेल प्राइज नहीं। हमारे दलित समाज में इंग्लिश राइटर कंटेंट जनरेट करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि हम बनाते ही नहीं थे, हम फिर कहां से आएगा। जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब पूरा काम करेंगे, तब तक सत्ता जो भी था वो भी चला गया। अब बिना अंग्रेजी पढ़े कुछ नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। तो ये कहते हैं कि चंचूर साहब मूर्ति तो लगवा ली है, लेकिन ये भी घोषणा कर देते कि हर चौथा जज जो है सीएसटी समाज का होगा, ये भी कह देते। तो ये लीजिए स्टेट एंड माइनॉरिटी, हमारे अनुसूचित जाति की ओर से मेमोरेंडम हमारा है, उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात बाबा साहब ने की। तो 10 साल 15 साल जब मेहनत होगा तब देखिए ट्राटन भाषण देने वाले और ऑक्सफोर्ड में जाकर लेक्चर देने वाले बच्चे जब आपके पास आएंगे, और थोड़ा जिनके पास विजन होगा, जो मिशन होगा। हमें पूरे इंटरनेशनल समाज से कंपटीशन है। व्यवस्था को डर विश्वविद्यालयों से है, क्योंकि वहां पे नए नए सवाल खड़े किए जाते हैं। खाली डफली बजाओ कि हुक्मरान बनेंगे, देश में शासन कर लेंगे, तो उस दिन एक रात में सब कुछ बदल देंगे। गलत बात है। दबा के रखते इसी एमएलए को इसके पीठ पे कि हमारे समाज का जो एजेंडा लागू करेगा उसी को हम वोट देंगे। आपके पांव में रहता ये नेता सब, एकदम पांव में गिरता। तो वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई लाने के लिए विचारक पैदा करने होते हैं। और मेरा तो अभी मुझे सिपाही की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड सिपाही नाउ। सेनापति बनाइए, स्कॉलर्स पैदा कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर सेना लेके नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस से भी अंग्रेज से भी दोनों से। सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है, सरकारी नौकरी का निजीकरण हो रहा है, सब मामला फिनिश। 10 नौकरी के लिए पूरा हमारा नौजवान पागल हुआ पड़ा है उसके पेरेंट्स। तो गुदगुदी वाला हंसी मजाक वाला भाषण नहीं करते, सुनना है सुनिए, नहीं सुनना जाइए। तो सिर्फ गाली देने से दूसरे को, ये उंगली दिखाने से, एक दिखाते तो 4 अपने इधर भी रहता है। हम समीक्षा भी करना चाहते हैं, अपने आंदोलन की समीक्षा करना चाहते हैं। जहां जाता हूं भाई मिशन चला रहे हैं, मिशन मोमेंट चल रहा है, मूवमेंट नहीं मोमेंट हो गया। और हमारे लोग जब रिकॉर्डिंग चलता था ना, इसे डालने वाला वो, तो कहीं फंस जाता था तो एक ही बात रिपीट करता रहता था, सारे गाँव वही चल रहा है। तो चूंकि पढ़ने लिखने से वास्ता कम रहा है हमारा, तो अटक गया है कि बाबा साहब गांधी में लड़ाई थी। जहां देखिए सिर्फ शत्रु आप तलाशते हैं, अरे कहीं कॉमन पॉइंट भी तो होगा, कहीं हाथ तो मिलाया होगा, कहीं तारीफ भी तो की होगी। तो ये आपके दिमाग में डाल दिया गया है, बहुत अच्छा गुदगुदी वाला सांपनाथ नागनाथ रेटोरिक सब, और बगैर सोचे समझे समीक्षा किए हुए ना। रिकॉर्डिंग हमारा पूना पैक्ट में अटका हुआ है, वो ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा, चाहे सवर्ण इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाली जर्नलिस्ट हो या हमारे लोग हों। पढ़ के समझना और उसकी व्याख्या करना ये बहुत ही गंभीर काम है। कह रहे हैं 40 साल से मिशन मोमेंट चल रहा है, तो मैं इतिहास का छात्र हूं, रिसर्चर हूं, तो मुझे समीक्षा करना होगा, देखना होगा कि आखिर किस दिशा में गया, कि क्या हो गया इसे कि आज भाई सोशल मीडिया जो भूमिका निभा रहा है उसका, उसकी ओर नवीन ने इशारा कर दिया है कि भूमिका तो वो निभाया पिछले 5-7 साल में, कि हो सकता है मोबाइल भी जब्त हो जाए, कंप्यूटर भी जब्त हो जाए, अब बंद भी हो जाए, ये नया कानून समझ रहे हैं। तो ये भूमिका है। तो जो आज़ादी के बाद 40-50 साल में जो एक बड़ा मिडिल क्लास बना और जो मिशन मूवमेंट चला, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो अरबों खरबों रुपए तनख्वाह में मिले, नौकरी से ही दलित मिडिल क्लास तैयार हुआ है,
जमीन और आपके पास संपत्ति उद्योग व्यापार ना के बराबर थे। उसमें से ज्यादातर संसाधन जो है अमूर्त काम में, हवा में, नारेबाजी में बर्बाद हो गए, और गंभीरता से कह रहा हूं और किसी से मैं बहस करने के लिए इस पर तैयार हूं। मीडिया का काम बहुत गंभीर काम है, गंभीर काम है, और मीडिया का रिश्ता एकेडमिक से है, रिसर्च से। मैंने काम किया काशी प्रसाद जायसवाल पर, वो वकील भी थे, इतिहासकार भी थे, साहित्यकार भी थे, अखबार के संपादक भी थे पाटलिपुत्र के, तो उनके संपादकीय लेखों का संकलन हमने छापा है। और पहला बैकवर्ड थे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, हिस्ट्री में बैरिस्ट्री तमाम, पहला स्कॉलर जिसको चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिला था। तो आप समझ रहे हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद टाइम निकाल के उसमें से और रिटायर होके और एडिटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब भ्रांति में रखना है। एक गंभीर काम है और इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होते हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मैं जाता हूं कई जगह बोलने, खूब कार्यक्रम होते हैं, 14 अप्रैल को तो पूरा दुनिया ही बाबा में हो जाता है। आप ईमानदारी से बताइए, मैं सिर्फ बामसेब को नहीं कह रहा, बामसेब इसलिए कि कर्मचारी अब तो कई भाग में है और मिडिल क्लास का संगठन है, उसी 40 साल में जो मिडिल क्लास बना उसी से चंदा मिला बामसेब को, और उसी से बसपा को भी चंदा मिला। बैठे हुए अकेला साहब 11 वॉल्यूम कांशी राम जी का किताब छापे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लोगों के घर में नहीं हुआ, खरीदता भी नहीं हुआ किताब। तो गंभीर काम है, किसी ने इतने संगठन जब करोड़ों अरबों चंदा दिए, समाज ने पैसा दिया है, कोई ये कहे कि नहीं दिया है तो ये गलत बात है। क्या आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंडोमेंट फंड बना के वहां एक रखते ना कि एक छात्र को हम मीडिया पढ़ने के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे? हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हम पैसा जमा करते ना वहां पर कि हमारे बच्चे आएंगे उनको फेलोशिप, इसके जो इंटरेस्ट होंगे इससे फेलोशिप दीजिए। हमारा समाज बेसिकली रिसर्च को, पत्रकारिता को वो गंभीर काम समझता ही नहीं। पढ़ने लिखने को 20 बरस लगते हैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनने में, 20 बरस लगते हैं एक हिस्टोरियन बनने में, 20-25 साल तैयारी होती है, तब जाकर आप एक मैच्योरिटी का लेवल आता है, तब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। क्या हमने अपने बच्चों को तैयार किया कि अच्छा वकील बने? क्या तैयार किया कि अच्छा पत्रकार बने? क्या वैसे मिडिल क्लास लोग जो टॉप बड़े पोजीशन पे हैं, पीएससी में हैं, बैंक में हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड भेजा कि पत्रकारिता पढ़ के आओ? अब ये मत कहिए कि यहाँ सवर्ण और ब्राह्मण से ये है, ग्लोबल वर्ल्ड है यार, डिजिटल वर्ल्ड है, मेरिट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग देख लेता है। जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो तो स्ट्रगल करके जैसे तैसे, मान लिया मुझे तो सैलरी मिल रही, तब भी उसको चलाने के लिए खर्चा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता है, तो मुफ्त में लगता है, पढ़ने लिखने में क्या है, सोचने में क्या जाता है, ये तो ऐसे बैठ के सोच लेते हैं। बाबा साहब के नाम पे सब काम करते हो, कितनी डिग्री थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, तमाम प्रबुद्ध भारत निकाले, उसके मालिक भी थे, एडिटर भी थे, लेखक भी थे, और जाकर आप ढूंढिए, पढ़िए, मैं लगातार मैंने पढ़ा है। वो सब वो अपील करते थे कि चारना चंदा दो और चंदा दो और सब लोग जनता का मेंबरशिप लो, पढ़ो, जो पढ़ा लिखा है उसकी जिम्मेदारी है पढ़ के गांव में सुनाए चौराहे पे। जी मैंने एक लेख लिखा था, वो अभी सुमित ने तो पढ़ा, उसका आगे वाला पंक्ति मैं पढ़ देता हूँ। एक लेख मैंने लिखा था, वो कहीं शायद इसमें हंस में छपा था, और इसमें तकरीबन 10 रेफरेंस है, 4 पन्ने का लेख है, 2 बना नहीं है लेकिन 10 रेफरेंस है। बेसिक जो लड़ाई है वो ज्ञान की लड़ाई है, और नॉलेज के प्रोडक्शन में हम लोग कहीं है ही नहीं, हमारा कोई शेयर नहीं है।
कितने लोग हैं जो रॉटलेस से उनकी किताब आ रही है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से किताब आ रही है। सीरियस जर्नलिज्म, सीरियस एकेडमिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो अपर मिडिल क्लास है वो बच्चे को सरकारी नौकरी आसान है ना, 22 साल में नौकरी कर लो, शादी हो जाएगी, है ना, घर अच्छा होगा, गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, कार होगी। तो संघर्ष करना पड़ता है, जैसे दो चार लोग कर रहे हैं, मुकदमे भी झेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो तारीफ बहुत करता है, जहां यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ करने में कंजूसी नहीं, खूब बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन हवाई जहाज का टिकट देगा तो एयरपोर्ट आने जाने का पैसा भी नहीं देता क्या जी नवीन? क्या महीने में अगर 4 ट्रैवल करूं वीकेंड पर, आप टिकट भेज भी दे तो एयरपोर्ट आने जाने का 2000 रुपया खर्चा होता है, तो 10,000 रुपये तो ट्रैवल हो गए। हमारे लोग टिकट कटाते हैं ना, सोचिए मैं ये कह रहा हूँ गंभीरता से, तो उसमें चाय कॉफी बुक नहीं करता, 200 रुपया वहां भी बचा लेता है। उसको इंटेलेक्चुअल फ्री का चाहिए, असाधु भंते लोग आएंगे तो पांव छू के वहां पर दक्षिणा चढ़ाना है, पढ़ने हम लोग फ्री के चाहिए। क्यों? मैंने तो कहा है मुझे मत बुलाया करो यार, मेरा टाइम खराब होता है, उसे बढ़िया बैठ के हम आर्टिकल लिखेंगे, सुनना है तो सुन लो यूट्यूब पे, नहीं सुनना मत सुनो। एक एक आर्टिकल लिखने में, 5 पेज लिखने में 6-6 महीने लगते हैं। ये नहीं है कि मन में जो आया कर दिया, रेफरेंस फुटनोट डालना पड़ता है। तो जो समाज बाबा साहब की ही नहीं माना, वो इंटेलेक्चुअल बैटल की बात कर रहे थे, वो आर्गुमेंट करते थे, लिखते थे, डेलीगेशन लेके जाते थे, मेमोरेंडम देते थे। अब क्या है, सबको राजनीति करना है, सबको रिटायर होके आएंगे आईएएस बन के, वो भी कहेंगे कि हमको एमएलए बनना है, हमारा भाई जो ऑटो चला रहा है वो भी सोचता है कि हमको विधानसभा जाना है। अरे सत्ता नॉलेज के कई केंद्र होते हैं, कोई नहीं कहता है कि हमको जो है शेयर मार्केट में हमको बनाना है अपने बेटे को एक्सपर्ट, कोई नहीं तैयार करता है। हम दलित समाज को एड्रेस कर रहे हैं, अपने आप से पूछो कि जितने खर्चे हुए उसका प्रोडक्शन आउटकम कितना है? नहीं, आउटकम नहीं, क्योंकि इसको पढ़ना, पीएचडी करना, अर्थशास्त्र में पीएचडी करना, ये सब कोई काम में समझता ही नहीं। इंग्लिश मीडियम बढ़िया पढ़ के आएगा, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं तो हिंदी मीडियम गांव से पढ़ के आया था, मेरे एक मित्र थे वो बढ़िया हाई फाई दलित थे, अंग्रेजी पढ़ के आए थे, हमने कहा कि भैया पढ़ लो, अब हो सकता है रिजर्वेशन लागू हो जाए, हिंदू कॉलेज में ही नौकरी मिल जाएगी। तो हमारे समाज के समझ देखिए, SHO आप आएंगे तो सब खड़े होकर सैल्यूट मारेंगे, आप प्रोफेसर को कोई काम ही नहीं समझता भाई, प्रोफेसर मास्टर लोग हैं। तो बोला नहीं मास्टर का काम क्या करेंगे, तो बिहार BPSC करके वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर बन के पान चबा रहा है, और मैं हिंदी से अंग्रेजी सीख के मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इसको नॉलेज को, नॉलेज इट इंक्लूड्स मीडिया ऑल्सो, उसको गंभीरता से आप सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। आप हमारे यहां इंटेलेक्चुअल्स को स्पॉन्सर करने की परंपरा नहीं। अभी हम बोल दे यहां बैठे हुए हैं कि चलिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको टिकट दिलवाना है, बैग तुरंत उठा लेंगे 2 करोड़ रुपए का। इंटेलेक्चुअल्स को नर्चर किया जाता है भाई साहब, उसको स्पॉन्सर किया जाता है। चिंतन मनन पढ़ना लिखना बहुत ही कठिन काम है, आपके ख्वाब में जो है ना, कभी आपके ड्रीम्स में नोबेल प्राइज नहीं है, नहीं है। हम आने वाले जनरेशन को उस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, और इसकी कीमत चुका रहे हैं खुद हम लोग जैसे लोग, खुद चुका रहे हैं। तो जब आप बेस्ट पत्रकारिता अवार्ड, आप बताओ हमारे दलित समाज में इंग्लिश राइटर कंटेंट जनरेट करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि हम बनाते ही नहीं थे, हम फिर कहां से आएगा? और इसलिए मैं कह रहा हूं, कह रहा हूं आपको भाषा नहीं दे रहा हूं, अपने बेटा को कह रहे हैं IAS की तैयारी करो, दोनों बच्चों को कहा हुआ है कि नौकरी नहीं करना है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड जाके पढ़िए, 10 साल पढ़िए, अभी 13 साल नौकरी मेरी है, PhD कीजिए पहले बढ़िया से, एलीट क्लास, एलीट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कीजिए,
तो यहां क्या है, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब पूरा काम करेंगे, तब तक सत्ता जो भी था वो भी चला गया। पार्क बहुत बढ़िया बनाया, घूमने में अच्छा लगता है, मूर्ति की होर लगी हुई है, इमोशनल काम, इमोशनल बाबा साहब के नाम पे जितना इमोशन गुदगुदाओ, इमोशन करो, आंख में से आंसू टपकाओ। आप सोचो, कभी कह रहा है कि 200 फीट का मूर्ति अमेरिका में लगा है तो 400 फीट का यहां लगा है। अरे भाई हो गया, मूर्ति के आगे बढ़ो, विचारों की खेती करो। अब बाबा साहब से एग्जाम्पल नहीं लेता है, बाबा साहब तो बुद्ध को, कबीर को, फूले को अपना गुरु मानते थे, किसी का मूर्ति बनवाया उन्होंने चंदा लेके? बता दो मुझे, एक रेफरेंस दे दो। बाद में 1954-55 में जब बुद्ध विहार बनाया तब उन्होंने वहां बर्मा से लाए थे वो बुद्ध की मूर्ति, वो लगाया, तो वो भी खूब मूर्ति लगवाते, वो पैसा मांगते थे इमारत फंड के लिए, अखबार चलाने के लिए, भूषण प्रिंटिंग प्रेस नहीं बचा पाए, जो कॉलेज सिद्धार्थ कॉलेज खुला, जो मिलिंद कॉलेज खुला, जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी था वो नहीं बचा पाए। क्योंकि इसलिए नहीं बचा पाए, उनको चलाने के लिए प्रोफेशनल्स लोग चाहिए थे। ये पार्ट टाइम काम नहीं है प्रकाशन, कंटेंट जनरेशन, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम 24/7 काम। तो कम से कम मैं बार बार कहता हूं, जो एक लेवल आ गए हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, अब बिना अंग्रेजी पढ़े कुछ नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। अगर मैं IAS का एग्जाम नहीं दूंगा तो पोस्ट खाली रह जाएगी, कोई ना कोई मेरे जगह आएगा ना, कोई ना कोई आएगा। तो जो इलीट, जो कम्युनिकेट कर सकता है, बोल सकता है, मीडिया चला सकता है, उनको तो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि 60 साल रिटायर होने के बाद हम फिर जाकर संपादक बनेंगे। 20 साल के लड़के जाए सीरियस हिस्ट्री करें, सीरियस जर्नलिज्म करें, और इतने सारे संगठन, मैं कहता हूं इसलिए मेरे से नाराज हो जाते हैं लोग, हम नाराज होने के लिए ही कहते हैं। आप 2-4-10 करोड़ रुपया फंड बना के हर साल में 2-4 बच्चे पढ़ाते हैं, तो 10 साल में कम से कम 20 बच्चे पढ़ते, उसमें से 75% खराब हो जाते, भाग जाते, अपना पेट ही पाल लेते। तो मिशन तो 5 इंटेलेक्चुअल चलाता है भाई साहब, 5 लोग चलाते हैं मिशन, 5 अगर दमदार लोग हो गए। सोशल मीडिया के लिए दिल्ली की तरफ क्यों देखता है अमूमन लोग, यही 5-10 लोग यहीं पे है, माहौल गरमा रहता है, यही सवाल खड़े करते रहता है। तो चलिए अगली बार आऊंगा तब गांधी, एक और आर्टिकल है विदेशियों से आग्रह, उसमें भी मीडिया पे चर्चा है। और मैं बता दूं आपको, अभी किसी और सेमिनार में बात करेंगे, 1945 में पीपल्स हराल्ड निकली थी कलकत्ता में, कांशीराम जी ने कोशिश की बहुजन संगठन चलाने की, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो नारों में, गुदगुदी में, अच्छा लगने वाला हुक्मरान बन जाऊंगा। अरे ये कहते हैं कि चंचूर साहब मूर्ति तो लगवा ली है, लेकिन ये भी घोषणा कर देते कि हर चौथा जज जो है CST समाज का होगा, ये भी कह देते। समाज में कोई मांग है, डिमांड है कि हमारे बच्चे स्कॉलरशिप मिलने चाहिए, अंबेडकर साहब वायसराय को डिमांड देते थे, अनुसूचित जाति की शिकायतें, स्टेट एंड माइनॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू, कि भाई हम, हो सकता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं जाए, तो ये लीजिए स्टेट एंड माइनॉरिटी, हमारे अनुसूचित जाति की ओर से मेमोरेंडम हमारा है, उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात बाबा साहब ने की थी। तो चिंतन मनन का सवाल है, आप, मैं कह रहा हूं 10 साल अभी काम कर लीजिए, 10 साल सब ये मान ले कि जो एक अपर मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को वकील, जर्नलिस्ट, एकेडमिशियन बनाएगा, तो 10 साल 15 साल जब मेहनत होगा तब देखिए टाटन भाषण देने वाले और ऑक्सफोर्ड में जाकर लेक्चर देने वाले बच्चे जब आपके पास आएंगे, और थोड़ा जिनके पास विजन होगा, जो मिशन होगा, वो खड़ा कर देगा। भाई ये ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ कॉम्पिटिशन है, हमको यहाँ के सबर्न वर्ल्ड से कोई कॉम्पिटिशन नहीं, दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड, हमें पूरे इंटरनेशनल समाज से कॉम्पिटिशन है ज्ञान के फील्ड में, जो है ना। मैं तो ये कहता हूं कि मेरा कॉम्पिटिशन किससे नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन अपने आप से ही। तो बस यही कहना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी तो हमारे प्रोफेशनल पत्रकार सुमित और नवीन ने बहुत समझाया, लेकिन बीच बीच में अखबार में मैं भी कुछ कुछ लिख देता हूँ, तो 10% मान लो जर्नलिस्ट। तो दोस्तों
ये खाली 3 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार और करने से नहीं, एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई फर्क पड़ता है कि कोई नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, कोई रोक दे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। विश्वविद्यालय क्यों तबाह किए जा रहे हैं आपको ये समझना चाहिए। मंत्री से या कलेक्टर से व्यवस्था को डर नहीं है, व्यवस्था को डर विश्वविद्यालयों से है, क्योंकि वहां पे नए नए सवाल खड़े किए जाते हैं। बिरसा फुले अंबेडकर अभी नारा लग रहा था ना, तो कब ये शुरू हुआ? ये 2000 के आसपास ही, जब आपके बहुरंगी तरह के छात्र एकेडमिक्स में आए, शोध में आए, नौकरी में आए, तो उसमें से फिर विमर्श निकला, तो इसीलिए डिसमेंटल हो रहा है। पता किया कि भाई सबको चंदा कहाँ से देता है, बाम से तमाम आंदोलनकारी को, बोला कि सरकारी बाबू लोग देता है। तो बोला सरकारी बाबू लोग कहाँ पढ़ा है, तो बोला सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो बोला सरकारी स्कूल खत्म करो, आपके सामने हो रहा है। कोई दलितों का घोषणा पत्र नहीं, खाली डफली बजाओ कि हुक्मरान बनेंगे, देश में शासन कर लेंगे, तो उस दिन एक रात में सब कुछ बदल देंगे। गलत बात है। टू मच पॉलिटिक्स, टू मच ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मच पॉलिटिक्स विदाउट पॉलिटिकल सेंस टू मच पॉलिटिक्स। बाबा साहब ने 1949 में कहा, आज मैं जंतर मंतर पे कोट कर रहा था, कि हमें समझौते करने पड़ेंगे, जिन पार्टी के सिद्धांत और एजेंडा हमारे एजेंडा के करीब होंगे उनके साथ करने पड़ेंगे, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। तो जो मिडिल क्लास ये समझ रहा है समाज कि कांग्रेस शत्रु नंबर एक है, और उसी साल में नौकरियां मिली थी, अब बीजेपी सब छीन रही है, तो बीजेपी शत्रु नंबर एक नहीं है तो आपका तो पता नहीं कौन भला करे, हम नहीं जानते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग अट जाती है 32 में पूना पैट में बहस करें, कोई हम भी आते हैं तैयार होके, और अगले 10-15 साल तक पूना पैट के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है इस पर भी बहस हो। कई साल उन्होंने पूना पैट दिवस मनाया है, अरे हो गया सर, जरा पेश दीजिएगा वहां से, हाँ दे दीजिए, जरा 2 लाइन सुना ही देता हूँ। टू मच पॉलिटिक्स में क्या करें, ये आजादी के बाद का है कि 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। तीसरा नहीं मिल पाया हमें, लेकिन इससे हमारा भाग्योदय खंडित होगा ऐसा मैं नहीं मानता। जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस बारगेन करना होता है। आज तो दलित के वोट का कोई कीमत ही नहीं, कोई मांगता ही नहीं। आज जो दलितों के लिए काम करता है सबसे पहले दलित उसी को गाली देता है, सबसे पहले। आगे कह रहे हैं, पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही पहनूंगी, नहीं तो नंगे बदन रहूंगी, इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर। एक नेता के पीछे कहते हैं भक्ति जो है ना तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है, वही कह रहे हैं। एक नेता अगर तानाशाह बन जाए, मुझे तो लगता है बाबा साहब पार्टी भंग कर देते, ज्यादा अच्छा रहता। बोलता समाज राजनीति करे, 131 का इंजाम हो गया था विधानसभा में, और इसमें हो गया था, सरकारी नौकरी में हो गया था, 2 मांग मान ही लिए गए थे, दबा के रखते इसी एमएलए को इसके पीठ पे कि हमारे समाज का जो एजेंडा लागू करेगा उसी को हम वोट देंगे। आपके पांव में रहता ये नेता सब, एकदम पांव में गिरता। तो आज तो जात जात की पार्टी है, 2 आदमी मिलके 3 पार्टी बना रहा है, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलके बना रहा है। तो आपको कोई कीमत नहीं, सब छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्या गंभीर है, हमारे जैसे लोग बैठे हुए सब पत्रकार बंधु कितना रिस्क लेते हैं आप समझते नहीं। अभी 4 मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं, और जो मैं कहता तो माफी नहीं मांगता ना पीछे हटता, क्यों? ये वैचारिक लड़ाई है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म की लड़ाई है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, भारत सरकार ने ही किताब छापा है। तो जो मिडिल क्लास, जिनको आगे बढ़ाना चाहिए था, प्रोग्रेसिव मूवमेंट करना चाहिए था, अंबेडकर के आइडियाज को पुश करना चाहिए था, स्कॉलर्स पैदा करना चाहिए थे,
उन्होंने भी ईमानदारी से, मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत राय, आप असहमत हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो बाबा साहब बना के गए तो वो भी खंडहर ही हो रहा है। जिस बुद्धिज्म के प्रचार करने की जिम्मेदारी बौद्ध मठों की और भंते लोगों की थी, उन्होंने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, खा के मठ में सोया रहता है। तो विचार परिवर्तन होते नहीं, लाए जाते हैं, घर में जाना पड़ता है। आइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह शाखा की 5 बजे सुबह शुरू हो जाता है, शाखा लगता है, जाके देखो कौन कौन बुद्धिज्म का प्रचार कर रहा है, जरा मुझे बताना। मिडिल क्लास लोग, कुछ लोग जो है नमो बुद्धाय जय भीम चलता रहता है। तो ये तो वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई लाने के लिए विचारक पैदा करने होते हैं, और विचारक पैदा करने के लिए खर्चे करने होते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता। अगर बड़ौदा स्टेट स्पॉन्सर नहीं किए रहते तो बाबा साहब ही बाबा साहब नहीं रहते, वहाँ सूबेदार रहते, महाराष्ट्र में सूबेदार बनते फौज के फैमिली से। तो ये सोचिए, गंभीर विषय है। और मेरा तो अभी मुझे सिपाही की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड सिपाही नाउ, सेनापति बनाइए, स्कॉलर्स पैदा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर सेना लेके नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस से भी अंग्रेज से भी दोनों से, वो विचारों से लड़ रहे थे। अभी आप पूछिए पूरे दलित समाज में, चाइना पे अभी बातचीत करना है, कोई आइडिया है चाइना से भारत का क्या डिस्प्यूट चल रहा है? कोई आइडिया नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैसा होगा, ग्लोबल जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है उसमें दलितों का क्या पर्सपेक्टिव हो, दलित एजेंडा क्या हो, इसमें नहीं, कुछ नहीं पता। खाली हुक्मरान बनना है, हुक्का पकड़ा के अभी खेत में भेजने वाला, 10 साल ठहर जाइए, हुक्का पकड़ा के खेत में भेजेगा, अब बोलेगा कि भैया ऐसा है, अब खेत में काम करो, बीपी शुगर ठीक करो। सब सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट है, सरकारी नौकरी का निजीकरण हो रहा है, सब मामला फिनिश। 10 नौकरी के लिए पूरा हमारा नौजवान पागल हुआ पड़ा है, उसके पेरेंट्स भी। अरे बिजनेस करो, जाओ पैसे कमाओ, मर्सिडीज में चलो, क्यों नहीं दलितों के पास जो है अपना हवाई जहाज होना चाहिए, चार्टर्ड फ्लाइट होना चाहिए, लेकिन ड्रीम में नहीं है। वही बाबू की नौकरी, वो भी खत्म कर रहा है, बोला कि सब पैसा देता है आंदोलन को, सब चंदा देता है, बोला खत्म कर दो सब, फिनिश। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।